साथियों, ये धरती शूरवीरों की धरती है, योद्धाओं की धरती है। मैं इस धरती के लोगों को इंडी गठबंधन की सच्चाई बताना चाहता हूं। दशकों तक कांग्रेस ने भारत के डिफेंस सेक्टर को कमजोर बनाए रखा। ये लोग सेनाओं के लिए हथियार खरीदने में भी अपना स्वार्थ देखते थे। पूरे देश ने देखा है कि कैसे इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी कि हमारी वायुसेना सशक्त न हो, देश में रफाल लड़ाकू विमान न आए और देश की वायुसेना मुसीबतों को झेलती रहे। कांग्रेस की सरकार अगर रही होती तो भारत में बना तेजस फाइटर प्लेन भी आसमान की बुलंदियां नहीं देख पाता। ये भाजपा सरकार है जो हमारी सेनाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। इस साल ही भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आज जब मैं यहां भाषण कर रहा हूं ना, इसी समय हमारा ब्रह्मोस मिसाइल विदेश जाने के लिए, सप्लाई के लिए, डिलीवरी के लिए थोड़ी देर में चल पड़ेगा। इस मिसाइल का पहला बैच आज फिलीपींस जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं।